इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डे स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस के हवाले से हमें देखना है कि लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इंसानी फितरत का सबसे अहम फैक्टर जो है वो बातचीत करना एक कम्युनिकेशन करना अबलाग करना इंसानी नेचर में या इंसान जो है वो तकरीबन अपना सेवेंटी परसेंट टाइम जो है वो बातचीत में या कम्युनिकेशन में गुजारता है और वो एक दूसरे से अपने मफहूम का इज़हार करते हैं और लैंग्वेज क्या है ये इंटरेक्शन का एक सबसे इम्पॉटेंट वे है जिसमें हम आवाज़ों के ज़रिए अल्फाज के ज़रिए फ़िक्रों के ज़रिए अपनी बातचीत का इज़हार करते हैं आ, तमाम जो मखलूक हैं उनमें से इंसान को जो ये शर्फ हासिल है कि उसको सुपर नेचुरल या ह्यूमन जो है वो कहते हैं अशरफुलमखलूक़ वो इस वजह से कहा गया है कि उसको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है कम्युनिकेशन या अबला की सलाहियत दी है वो वर्ड्स के ज़रिए अपने अपने मफहम का अपनी बातचीत का उनका आगा इजहार करता है अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है और बात यह है कि अगर इंसान को एक से ज़्यादा लैंगवेज़ आती हों तो वो ज़्यादा उसकी शख्सियत का एक पॉजिटिव पहलू है वो एक या दो या तीन लैंग्वेज अगर उसे आती हैं तो वो दो तीन लैंग अफराद की तरह मज़ीद फ़ायदा मंद शख्स है क्योंकि वो दो तीन लैंग्वेज के ज़रिए दो तीन अफराद का काम कर रहा है और टू लर्न अ फ़ॉरन लैंग्वेज मैंने बताया ना कि अगर आप अपनी जो ज़ुबान है वो वो तो बोलते हैं आप लेकिन अगर उसके अलावा कोई फ़ॉरन लैंग्वेज या कोई दूसरी ज़ुबान आप बोलते हैं तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है आप ज़्यादा उसको बेहतर अंदाज़ में यानी एक एक से ज़्यादा अशास की तरह आप होंगे बातचीत कर सकेंगे और दो या तीन लैंग्वेज से बात करना आ, ये जो लैंग्वेज़स का इस्तेमाल है या लैंग्वेज का इस्तेमाल है इंसान को दूसरी मखलूक से मुमताज़ करता है उसको फ़र्क करता है उसमें आ, एनिमल से जानवरों से वो भी अपना इजहार तो करते हैं साउंडस के ज़रिए लेकिन उस उन साउंड्स के वो जो वो उस तरह के मीनिंग नहीं हैं जो हमारी लैंग्वेज़ के मीनिंग्स हैं या हम जिस तरह अपनी बातचीत करते हैं या कन्वे करते हैं और ये जो लैंग्वेज का है स्किल है वो इंसानी शख्सियत में नेगोशिएट करने की सलाहियत पैदा करता है वो एक दूसरे से मुजाक करने के लिए दूसरों को कन्विंस करने के लिए दूसरों को दलाइल के ज़रिए अपनी बात पर कायल करने के काबिल बनाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखता है लैंग्वेज के ज़रिए और इस तरह करके और अगर हम ये देखें कि लैंग्वेज को हम डिवाइड करें तो ये वर्बल और नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में इनको हम मतलब तकसीम कर सकते हैं लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लैंग्वेज इज़ द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर आर ह्यूमन बींग्स यानी ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है और अगर उसको लैंग्वेज नहीं आती तो ये उसकी डिसेबिलिटी होगी अब हम मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की नीड के हवाले से तो डियर स्टूडेंट्स लैंग्वेज की नीड भी मुख्तलिफ हवालों से या कुछ पॉइंट्स के हवाले से हम उसकी नीड को भी डिटर्मिन कर सकते हैं आ, हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ़ लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट आर नेसेसिटी फॉर कम्युनिकेशन नंबर वन कम्युनिकेशन अब्लाग के लिए नंबर टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन माइंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जैसे कि इंसान जो लैंग्वेज सुनता है उसका माइंड उसको प्रोसेस करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी शॉर्ट मेमोरी से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज uh, होती है और शेयरिंग कॉन्सेप्ट एंड एसोसिएटेड नॉलेज नॉलेज इज़ अ पावर जब हम कॉन्सेप्ट uh, uh, को शेयर करते हैं तो उनके साथ एसोसिएट करते हैं कुछ मीनिंग्स हैं और नॉलेज उसके साथ एसोसिएट करता है तो जो लैंग्वेज भी है ये बहुत बड़ा नॉलेज रेजरवेयर भी है तो इस लिहाज से भी लैंग्वेज की जो ज़्यादा नीड है ज़रूरत है और ये लैंग्वेज जो है ये इंसान को एक और अहम पॉइंट इसका यह है कि इसकी नीड जो है ये प्रोवाइड आइडेंटिटी इंसान को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है और फिर इस लिहाज से भी ये इसकी नीड ज़रूरत है कि ये डेवलप कलेक्टिव स्किल्स एंड डिस्क्राइबिंग मेंटल स्टेजेस यानी मेंटल स्टेट्स को डेवलप करती है